आज की वीडियो का टॉपिक है हार्ड वाटर हार्ड वाटर एंड द हार्ड वाटर अब आप लोगों को सबसे पहले लगेगा कि हार्ड वाटर के मैं आपको तीन सोल्यूशन दूंगी क्योंकि मैंने तीन बार हार्ड वाटर बोला जैसे कि मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में राइस वाटर को तीन बार बोला था तो मैं आप लोगों के लिए तीन तरह के राइस वाटर लेके आई थी बट नो दिस टाइम आई एम गोइंग टू शेयर एट लीस्ट सिक्स सोल्यूशन जो कि आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास है हार्ड वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम एंड आई कैन एश्योर यू इफ यू वॉच दिस वीडियो राइट टिल द वेरी एंड यूजिंग हार्ड वाटर वोंट बी एनी मोर हार्ड फॉर यू So keep watching. हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज जिस तरह के कॉमेंट्स आप इस चैनल पर शेयर करो जिस तरह से आप रेमिडीज को ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो सो थैंक यू सो मच गाइज और गाइज मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि कुछ टाइम से मैं अपनी वीडियो जो है वो टाइम पर नहीं लगा पा रही हूँ आई थिंक लास्ट दो वीडियो में मुझसे गलती हुई है बट फिर भी थैंक यू सो मच गाइज की आप लोगों का जब भी आई एम श्योर जैसे मैं बिजी होती हूँ तो आप लोग भी बिजी होते हो लेकिन फिर भी आप अपना जो भी आपका स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के स्पेशली मेरी वीडियो देखने के लिए आते हो बस

टाइम पे ही आएंगे और हम सब लोग मिलके बैठ के स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे आप लोग मुझे डेफिनेटली नीचे लिख के बताना कि आप लोग किस टाइम पे अवेलेबल होते होता है आप देख सकते हो स्किन केयर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर केयर और जिसमें एक बहुत ही ज्यादा रास्ते का पत्थर है हार्ड वाटर सो हार्ड वाटर बेसिकली क्या होता है हार्ड वाटर इज नथिंग बट अ वाटर दैट कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे बालों के लिए बालों के स्ट्रैंड के लिए

नंबर वन प्री मेच्योर ग्रेन अगर आप हार्ड वाटर बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हो जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है तो चांसेस हैं उसकी वजह से आपको प्री मेच्योर ग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है सेकेंड ये होता है कि हेयर फॉल या हेयर लॉस हेयर फॉल एंड हेयर लॉस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट वन ऑफ द फैक्टर्स कुड बी यूजिंग हार्ड वाटर ऑल्सो थर्ड इज रिलेटेड टू स्कैल्प अगर आप बहुत टाइम से हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली जब आपने शैम्पू किया तो भी एंड में आप चीज लगाते हैं दैट इज नथिंग बट हार्ड वाटर जिसमें कि मैग्नीशियम और कैल्शियम है तो कई बार हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ बिल्डअप हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर टू फोर्थ कुड बी रफनेस एंड ड्राई एंगल्स हमारे बाल बहुत जल्दी जल्दी बीच से उलझते हैं और बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो चुके हैं तो उसके पीछे हार्ड वाटर का भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली हो सकता है सो so ये तो थे हार्ड वाटर से होने वाले प्रॉब्लम्स अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की सबसे पहले मैं दो चीजें आपको क्विकली बता देती हूँ पॉइंट नंबर वन और टू जो कि होम रेमेडी तो नहीं है बट अगर आप उसे कर सकते हो तो डेफिनेटली आपका हार्ड वाटर वाला इशू कंप्लीटली कट हो जाएगा नंबर वन इज टू यूज फिल्टर बॉटल उसमें कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं है आपके बालों के लिए तो वो आप कंसिडर कर सकते हो द ओनली थिंग इज फिल्टर बॉटल का जो पानी आता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव अगर आपके बाल शॉर्ट टू तो नॉर्मल भी हैं तब भी आपको एटलीस्ट दस लीटर का पानी तो एक टाइम पे चाहिए हेड वॉश लेने के लिए विच इज नॉट फिजिबल एंड विच इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन कुड भी कि आप घर पर अपना फिल्टर लगा लो वो फिल्टर वन ईयर के लिए आता है अगर आप चाहो तो वन ईयर का फिल्टर फिक्स कर सकते हो जो कि पहले वाले ऑप्शन से कम्पेरेटिवली इकोनॉमिकल पड़ता है सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर यूजिंग दैट ऑल्सो उसकी वन ईयर की वैलिडिटी रहती है वो जो भी आपका शार में या फिर जो भी आपका टैप में पानी आता है उसको फिल्टर कर लेता है नंबर थ्री इज लेमन रिंस आप चाहो तो आप लेमन का रिंस भी यूज कर सकते हो लेमन का नेचर होता है एसिडिक बट लेमन का एसिडिक नेचर यहाँ पे हमें कैसे हेल्प करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस आउट टू यू कि हमारे बालों का जो हमारे भी बाल होते हैं नेचुरली उनका जो नॉर्मल पीएच बैलेंस होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 4.5 टू 5.5 हम लोगों का जो भी पीएच का रेंज होता है इन जनरल जीरो से 14 जीरो से चौदह तक का होता है तो जो भी चीज़ें सात से नीचे होती हैं वो होती हैं एसिडिक और जो भी सात से ऊपर होती हैं सात से चौदह के बीच में वो होती है एल्कलाइन पर हमारे बालों का जो नेचुरल पीएच है दैट इज़ फोर टू फाइव तो इससे आपको क्या समझ आया कि आपके बाल जो है वो जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में एसिडिक होने का रीजन ये होता है कि जो भी डैमेज हमें हो सकता है यानी कि बाहर का पोल्यूशन धूल मिट्टी और या फिर धूप में हम एक्सपोज करते हैं अपने बालों को तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है या उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें पावर देता है अगर हल्का सा एसिडिक नेचर हो हमारे स्टैंड का बट जब भी हम हार्ड वाटर यूज करते हैं हार्ड वाटर का जो पी बैलेंस होता है दैट इज मोर देन सेवन इसका मतलब वो क्या हो गया एल्कोलाइन तो वो भी हमारे बालों को एल्कोलाइन वाला जो डायरेक्शन है वहाँ पे लेके जाता है और जितना हमारे बाल एल्कलाइन होते जाएंगे उतने ही प्रोन टू तो डैमेज प्रोन टू तो ब्रेकेज टू तो वर्ड्स द इन्वायरमेंटल डैमेज होते जाएंगे एंड दैट एसिडिक थिंग इज लेमन हेयर रिंस आप चाहो तो लेमन का हेयर रिंस बना सकते हो और लेमन कितना ज़्यादा सस्ता है और हर किसी के घर में होता है सो so, हर हेड वॉश के बाद अगर आप इस तरह के रिंस यूज करते हो जो कि एसिडिक है नीचे में तो आपके बाल बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं हार्ड वाटर से लेमन रिंस को बनाने के लिए आप रेशो का बहुत ध्यान रखना क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक भी नहीं बनाएंगे जिससे कि हमारे बाल कुछ ज्यादा ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये मेरे ऊपर क्या आ रहा है सो so, सबसे पहले आपको क्या करना है आपको लेना है वन कप ऑफ मैं आपको वन कप के रेशो के हिसाब से बता रही हूँ अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आपके बाल बिल्कुल ही शॉर्ट है मतलब लाइक

एप्पल साइडिक तो होता है लेमन के आसपास ही होता है लेमन का अगर टू है और इसका टू पॉइंट फाइव है तो दोनों मतलब भाई भाई दूर नहीं है सो so, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा ए बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वन कप ऑफ वॉटर और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ ढक्कन हाफ कैप ऑफ ए इतना इनफ रहेगा तो आप अगर रेशियो यही फॉलो कर लेना और क्वान्टिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से नाउ लेट्स मू वॉन्ट टू रेमेडी नंबर थ्री यानी कि पॉइंट नंबर फाइव जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारे इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है एंड दैट थिंग इज ब्लैक टी रिन्स यानी कि देसी अंदाज़ में चाय पत्ती का पानी कॉमन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको लेना है एक पैन जिसमें आप ऐड करोगे अप्रॉसीमेटली टू कप्स ऑफ वाटर में हम ऐड करेंगे वन हीप यानी कि एक टेबल स्पून भर के ब्लैक टी आप चाहो जैसे पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो और या फिर आप इसमें टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास टी बैग्स हैं तो आपको दो लगेंगे अगर आपके पास नॉर्मल मेरी तरह चाय पत्ती है जो कि होती है हर घर में तो आप इसमें वन टेबल स्पून ऑफ चाय पत्ती डालोगे अब हम इसे पकाएंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ब्लैक टी बनाते टाइम आपको टाइम लगता है पाँच से छः मिनट ऐसे ही उसको मीडियम आँच में पकाया उसको बुड़बुड़ -बुड होने दिया होने के बाद आपने उसे बंद कर लिया और बंद करने के बाद आप इसे साइड में रख दोगे फॉर अबाउट वन आवर्स टाइम जैसे कि वो ठंडा हो जाए एंड देन यू विल फिल्टर इट आउट और आप उसे यूज़ कर लोगे सो so, ये थी हमारी होम रेमिडीज टू पॉइंट नंबर सिक्स जो कि कई जगह लोग यूज करते भी हैं ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जगह जिले कस्बे हैं कई देसी लोग होते हैं वो ये वाला नुस्खा अपनाते हैं दिस दिस इज़ इज नॉट अ अ रिंस वे ऑफ चेंजिंग योर हार्ड वाटर इन सॉफ्ट वाटर जिसकी वजह से आपका जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंटेंट है वो कम हो जाता है सो so, इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे एलम यानी कि फिट करी तो अगर आपका एक बकेट का पानी है ना उसमें आपको इतने साइज का एलम मतलब इतना वन वेरी स्मॉल पीस इतना छोटा सा पीस अगर आप डालोगे बकेट में सो दैट विल डू द जॉब आप ये वाला प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो बट अगर मेरा पर्सनल सजेशन आप मानोगे मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है इनमें से दोज आर विदाउट अ सेकेंड थॉट हेरस क्योंकि वो सस्ता भी पड़ जाता है और उसमें थोड़ा बहुत आपको फिट करी में उसको बकेट में डालना ये सब में पड़ना नहीं पड़ता सो so, आप इन सभी छः मेथड्स में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो जस्ट टू गेट रिड ऑफ हार्ड वाटर बिकॉज हार्ड वाटर हमारे बालों के लिए हेल्दी तो होता है नहीं है और ये मैंने अपने चैनल में काफ़ी बार पहले भी डिस्कस किया था तो आप में से कई लोग थे जिनकी ये रिक्वेस्ट आ रही थी सो आई वॉज प्लानिंग टू कवर दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट और मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका जो भी डाउट है उनके जो भी कंसर्नस हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए अगर आप लोग मुझे इतना प्यार इतना सपोर्ट दे रहे हो तो मेरे एंड से भी इतना तो बनता है कि आप लोगों की जो भी डाउट्स हो उसे मैं सॉल्व कर पाऊँ। गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है किसी भी हेयर रिंस की तरह आप इसे नॉर्मली ही अप्लाई करोगे जब भी आप हेड वॉश लेते हो शैम्पू कर लेते हो पूरा उसके बाद आप अपना हेड अप साइड डाउन ऐसे टर्न करोगे और उसके बाद जो भी आपने हेयर रिंग्स बनाया उसको ऐसे ही अपने स्कैल्प में उड़ेल दोगे आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके पूरे स्ट्रैंड्स को भी ये जाए जिससे कि आपके स्ट्रैंड्स में जो भी फिल्म यानी कि जो भी एक लेयर क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वो हो ना पाए या हो चुकी है अगर अगर आपको कोई भी डैमेज है जो कि बहुत लंबी टाइम तक कुछ गलत चीज़ यूज़ करने की वजह से हुआ है दैट इज़ हार्ड वाटर इन टू डेज वीडियो सो वो एकदम से तो रिवर्स नहीं होगा उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं दिखेगा आपको बार बार उसे अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखेगी इन टर्म्स ऑफ योर हेयर टेक्स्टर जो कि डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ़ हार्ड वाटर तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट इसका सेवन टू एट एप्लीकेशन मिनिमम कर लेना चाहिए मतलब अगर आप महीने में आठ से बारह वॉश लेते हो तो एक मंथ तक आप इसे रेगुलरली लगाओ रिलीजियसली लगाओ हर हेड वॉश के बाद लगाओ और उसके बाद आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा आप यूज कर सकते हो इनमें से कोई भी हेयर रिंस जो कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था गाइस और आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा अपने बालों में मैंने पहले भी आप लोगों से एक राइस वाटर की रेमेडी इधर और इधर शेयर की थी तो वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो हाउ टू एक्चुअली यूज दी हेयर रिंस लास्ट ईयर मैंने और भी हेयर रिंस शेयर किए थे जिसमें ब्लैक टी वॉज वन ऑफ दो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड चेक दिस आउट ऑल्सो सो डू गिव इट अ ट्राई गाइज और मुझसे अपना रिव्यू इधर कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना क्योंकि मुझसे ज्यादा हार्ड वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता था बिकॉज UAE में आप किसी भी 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 लोकेलिटी में ले लो घर जो भी पानी आपको मिलेगा वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगा आपकी हेयर हेल्थ के के लिए तो इस तरह हैक्स और इस तरह तरह हैक्स और की चीजें अगर आप फॉलो करते रहते हो तो आपके बालों की जो हेल्थ होती है वो डैमेज होने से बच जाती है so, try, guys, और मुझसे अपना रिव्यू इधर कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ टिल